खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी सुमित, तो ओपिनियन पोल सेंटर से जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो जाटलैंड है, जहां बीजेपी की तरफ से 2014 में एक नॉन जाट सीएम देकर अलग तरीके का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, वो प्रयोग बीजेपी ने जो 2014 में किया था मनोहर लाल खट्टर के जरिए, क्या वो अब 2019 में बीजेपी को फल देने वाला है? क्या कह रहा है ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने है, देखिए किस तरीके से। बीजेपी को 46% वोट शेयर, कांग्रेस 22%, इसके अलावा जेजेपी 8%, आईएनएलडी 3% और अन्य के खाते में 21% वोट शेयर। यहां पर जबरदस्त बढ़त बीजेपी को, मनोहर लाल खट्टर का प्रयोग लगता है पूरी तरीके से बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए सफल साबित हुआ है। हालांकि जिस समय ताजपोशी मनोहर लाल खट्टर की गई थी, उस समय कई तरीके के सवाल उठाए गए थे मनोहर लाल खट्टर को लेकर, यह कहते हुए कि साहब किसी तरीके का प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है, अचानक से लाकर एक नॉन जाट को जाटलैंड में मुख्यमंत्री बना दिया गया और अब ये वोट शेयर, और इस वोट शेयर को अगर सीटों में तब्दील किया जाए तो फिर आंकड़ा क्या कह रहा है, क्योंकि सीटों में सबकी दिलचस्पी रहती है। ऐसे में हरियाणा 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में 78 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यह आंकड़ा देखकर मैं हैरान हूं, क्योंकि बीजेपी खुद अपना टारगेट जो है वो 75 का लेकर चल रही है और यहां पर सर्वे ये कह रहा है कि 90 में से 78 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस महज 8 सीट पर सिमट रही है। आईएनएलडी में देखिए किस तरीके से परिवार की कलह भारी पड़ गई, आईएनएलडी का तो खाता भी नहीं खुला है, जेजेपी के खाते में जरूर एक सीट जा रही है। तो कुल मिलाकर 85% सीट जीत रही है बीजेपी हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी की आंधी, 90 में से 78 सीट मिलने का बीजेपी को अनुमान, कांग्रेस आईएनएलडी जेजेपी हरियाणा में सब फेल।